गाइस, मेरा नाम है बबीता और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इशू ब्यूटी स्टूडियो। सो इस चैनल पे मैं आपके लिए मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड कुछ वीडियो शेयर करूँगी। सो ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप मैं मेकअप करने वाली हूँ, सेल्फ मेकअप। आप मेरा गेटअप देख के समझ चुके होंगे कि मैं महाराष्ट्रन लुक करने वाली हूँ। ऑब्वियसली वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने मेकअप किया है खास किसी रीज़न के लिए किया है। सो आप बने रहिए मेरे वीडियो में, एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें स्किन प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं वेट टिश्यू से चेहरे को क्लीन कर रही हूँ। आप वेट टिश्यू कोई भी ले सकते हो, कोई भी कंपनी का। इससे मैं अच्छे से अपनी स्किन साफ कर, उसके बाद में निविया का एलो हाइड्रा मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी। अच्छे से अप्लाई करना है। साथ साथ हमें लिप्स की भी केयर करनी चाहिए, ठंडी के वक्त हमारे लिप्स फट जाते हैं, इसलिए मैं लगा रही। अब इसके बाद में यूरोप गर्ल का मैं आईब्रो करेक्शन करूँगी। ये पाउडर बेस है, अभी मैं आई बेस लगाने जा रही हूँ। मिलानी का कंसीलर है और ब्रश है P1। ये मिनी फाउंडेशन ब्रश है, इसे हम अप्लाई करेंगे। अब मैं इसे मिनी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। अब मैं मेरी जोगे का ट्रांसलेशन पाउडर, बनाना शेड पाउडर लगा रही। कोई भी कंसीलिंग हम करते हैं तो हमें उसे पाउडर से लॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइन्स पड़ जाते हैं। अब मैं क्रीज लाइन करने जा रही हूँ। ये क्रीज लाइन के लिए प्रोआर्ट का P20 नंबर का ब्रश है। मैं न्यू पैलेट में से ये ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ क्रीज लाइन के लिए। मैं स्मोकी आइज मेकअप करने वाली हूँ आज, वो भी थोड़ा सिंपल में। अब मैं आई मैजिक पैलेट में से ये थोड़ा पर्पल शेड लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो नवारी है वो थोड़ा पर्पल शेड है इसमें और ग्रीन है, उसमें से ही मैं स्मोकी आइज करने जा रही हूँ। ये लगाना है इसके ऊपर, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक दिख रहा है। अब मैं प्रो आर्ट का C19 नंबर का ब्रश ले रही हूँ, आई शेडो अप्लीकेटर ब्रश कहते हैं इसे। अभी मैं आई मैजिक पैलेट में से ही ये ग्रीन कलर यूज़ करूँगी और उसको अपने आई लिड पर लगाऊंगी। मैं ज़्यादा हेवी लुक नहीं करने जा रही, मैं सिर्फ थोड़ा स्मोक देना है मुझे। जैसे अप्लाई करना है अब मैं वही कर ले रही हूँ। अब हमें थोड़ा हल्का क्रीज लाइन हमें ये करनी है, फ्रेश करनी है, थोड़ा हल्का ब्लेंड करना है। ये जो कलर है ऐसे अलग अलग ना दिखे, आप देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा, मतलब तीनों कलर मिक्स हो चुके हैं तो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। हाईलाइट पॉइंट पे हाईलाइट करने जा रही हूँ गोल्डन शेड से। अब मैं लाइनर लगाने वाली, मुझे स्मर्ज लाइनर करना है तो पहले मैं जेल लाइनर लगाऊंगी, उसके ऊपर मैं स्मर्ज करूंगी।
अभी मैं इसी लाइनर को ब्लैक आई शेडो से मर्ज करूँगी ऐसे। अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो मैं जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चेहरे पर गिरे हैं उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब मैं इन कलर का प्राइमर यूज़ करूँगी, सिलिकॉन बेस। ये सभी स्किन पे जाता है, ऑयली ड्राई दोनों स्किन पे जाता है। अब मैं कंसीलिंग करूँगी, कंसीलिंग के लिए मैं क्रायलॉन का एली शेड यूज़ कर रही हूँ। जो जहाँ जहाँ मुझे कंसीलिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ कंसीलिंग करूँगी के नीचे। हमें बेस लगाने से पहले कभी भी हमेशा कंसीलिंग करनी ही चाहिए। अगर आप कंसीलिंग नहीं करते हो तो आपका मेकअप ग्रे पड़ सकता है। मैं इसको ब्लेंड करूँगी, हल्के हाथों से हमें ब्लेंड करना है टैप टैप करके। अब मैं क्रायलॉन का FS28 यूज़ करी जो मेरे स्किन टोन के हिसाब से मैच होगा। अच्छे से पूरी जगह पे अप्लाई कर देना है और हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि चेहरे के साथ साथ हमें नेक का भी करना है, उसको भी फाउंडेशन या फिर बेस लगाना है। अगर आप नहीं लगाते हो तो स्किन टोन के हिसाब से वो मैच नहीं होगा। अभी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको। अब मैं यूरोप गर्ल का लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करूँगी जो मेरे स्किन टोन के हिसाब से बहुत ही अच्छे से मैच होता है। ये प्रोवाट का ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे हम अच्छे से और अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वो ब्रश निकालेगा और जो प्रोडक्ट बच जाएगा उस वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देगा आपकी स्किन के अंदर। अब मैं क्रायलॉन का ट्रांसल्यूशन पाउडर ले रही हूँ, बनाना शेड है। इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। अब मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो अगर ये कंसीलिंग यहाँ पे अगर कंसीलिंग करते हो तो ये सूख जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे पैचेस पड़ जाए। तो आपकी आप हमेशा याद रखिएगा कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी और फास्ट होनी चाहिए। अब मैं क्रायलॉन का शुगर शेड पाउडर ले रही हूँ। जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट की मैंने हाईलाइट किया है मैं वावा इसको यूज़ करूँगी और मैं बेकिंग टेक्निक यूज़ करूँगी। मैं सिर्फ लगाऊँगी नहीं, लगाकर रखूँगी, सिर्फ ऐसे लगाकर हमें रखना है।
हूँ।